कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कुछ सामान मैंने मंगाया था ऑनलाइन, तो उसमें से काफी सारे तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे, बट कुछ बचे थे फिर मैं चली गई अपने घर, तो वही सारे जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ एक चीज और, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ऑनलाइन परचेस कर लेते हैं लेकिन जब वो हम रिसीव करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता ही है, तो वो भी मैं साथ के साथ आपके साथ शेयर करूंगी कि कुछ ऐसी चीजें जिनका एक्सपीरियंस मेरा काफी खराब रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। किचन को डेकोरेट करके रखना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसीलिए मैंने लिए हैं ये वुडन वॉल आर्ट, जिसको कि आप वॉल पे भी लगा सकते हैं या चाहें तो प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। किचन में बहुत सारी जगह होती हैं जहां डेकोरेशन पॉसिबल हो जाता है, इसलिए ये 3D वॉल आर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये तीन आप एक साथ भी ले सकते हैं और ये सिंगल पीस में भी अवेलेबल हैं। और अगर आपको भी मेरी तरीके से वॉल डेकोर का शौक है तो ये एक वुडन चॉकबोर्ड बहुत ही सुंदर है। ये मैंने किचन के लिए लिया है, मतलब जो भी डेली का मेन्यू है वो इसमें लिख सकते हैं, या जब गेस्ट आए ना तो इस मेन्यू को लिखिए, कुछ अलग सा इफेक्ट आएगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगा और मैंने ये परचेस कर लिया। ये मुझे ऑफलाइन नहीं मिला इसीलिए मैंने इसको ऑनलाइन परचेस किया। एक आप लोग का क्वेश्चन आता है कि जब मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ तो ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा कौन करता है, तो घर में सब लोग जो भी रहते हैं घर में, जैसे करण है, अमर है, या अगर शानू रहता है, तो सब लोग कर लेते हैं राधा रानी और ठाकुर जी की सेवा। और अब एक क्वेश्चन और था कि आप प्याज लहसुन खाती हैं तो ठाकुर जी के भोग में तो प्याज लहसुन लगता नहीं, तो आप कैसे मैनेज करते हो? तो देखो, मेरे पास दो कढ़ाई हैं, एक तो है ये बहुत छोटी सी, अभी दिखाती हूँ आपको, और एक आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखी होगी, काफी बड़ी कढ़ाई है जिसमें कि विंटर्स में गाजर का हलवा बनता है, उसमें मैं कभी भी कोई भी प्याज लहसुन का काम नहीं करती हूँ। वो या तो ठाकुर जी का भोग बनाने के काम में आता है या फिर मैं उस कढ़ाई को यूज करती हूँ गाजर के हलवे या कोई बड़ी क्वांटिटी की चीज बनाने में, लेकिन ध्यान रखती हूँ उसमें कोई भी ऐसी चीज ना बने जिससे कि मैं उसे ठाकुर जी के भोग के लिए यूज ना कर सकूं। तो उसका साइज बड़ा है काफी, और वो कोई भी ट्राईप्लाई कढ़ाई नहीं है, वो स्टील की एक ऐसी कढ़ाई है जो काफी हैवी है, वो है। और एक मेरे पास ये बहुत छोटी कढ़ाई है जो कि बहुत हैवी है, काफी हैवी है ये। और जैसे ठाकुर जी का, जैसे घर में मान लो आज कुछ ऐसा खाना बना जिसमें प्याज लहसुन है, तो इसमें ठाकुर जी के लिए कुछ भी चीज ऐसी मैं बना देती हूँ जो कि बगैर प्याज लहसुन के होती है। कभी मुझे जल्दी भी होती है तो इसमें मैं केवल हींग जीरे में आलू छोंक देती हूँ। तो ये एक छोटी सी कढ़ाई है जो काफी हैवी है, तो ट्राईप्लाई ना होते हुए भी एक ट्राईप्लाई की तरह से है। तो ये देखिए कितनी छोटू सी कढ़ाई है, ये चमक रही है ना बिल्कुल इस तरह से, ये बस इतनी बड़ी आती है। और ये बहुत हैवी है, पता है, ऐसा नहीं है कि हल्की सी है और इसमें खाना जल जाता है, खाना जलता नहीं है। इसे मैं यूज़ कर रही हूँ लेकिन फिर भी देखिए चमचमा रही है। ये मैंने लोकल शॉप से ली थी, ये ऑनलाइन नहीं परचेस करी थी, और स्टील की ये कढ़ाई है। वैसे तो अगर सबसे बेस्ट जो कढ़ाई होती है वो आयरन की कढ़ाई होती है, आप चाहें तो काफ़ी सस्ती आपको मिल जाती है। तो देखिए ये है छोटू सी मेरी ठाकुर जी की कढ़ाई, देखिए। कुछ कर्टेंस ऐसे होते हैं हमारे पास जिनके ऊपर आईलेट्स नहीं लगे रहते हैं, जिसकी वजह से कर्टेन रॉड में उनको हम डायरेक्टली नहीं लगा पाते, जैसे उसमें कई बार लूप्स होते हैं या सिंपल एक स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर हमें अलग से जो है कुछ इस तरीके के रिंग डाल के कर्टेंस को लगाना पड़ता है। तो अब अगर इस तरीके के कर्टेंस हों तो उसके लिए अगर आप आईलेट नहीं बनवाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये आते हैं एक्चुअली रिंग्स इस तरह के आते हैं कि इनमें ऊपर तो रिंग होते हैं और नीचे इसमें एक छोटी सी क्लिप होती है जिसे कि आप कर्टेन पे लगा सकते हैं इस तरह से। और एक कर्टेन में इस तरह से आप ये सारी रिंग लगा के आप कर्टेन को बहुत इजीली हैंग कर सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा
क्योंकि मेरे पास पुराने बहुत सारे ऐसे कर्टेंस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि उसमें आईलेट्स नहीं है इसकी वजह से मैं उन्हें हैंग नहीं कर पाती हूँ। ये एक पैक में जो है ऑलमोस्ट 7 पीसेस निकलते हैं और इससे एक कर्टेन जो है हैंग हो जाएगा। मैंने नॉर्मली जो मेरे पास होते हैं वो 4 कर्टेन का सेट होता है जो मेरी कर्टेन रॉड है, इसलिए मैंने इनको जो है 4 पीसेस मैंने ये मंगवाए हैं, मतलब 4 बॉक्स मंगवाए हैं और एक बॉक्स में ये 7 पीसेस हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे दिखा ये, और बहुत काम वाली चीज भी है क्योंकि कई बार जो लूप वाले कर्टेंस भी होते हैं उनको जब हम थोड़ा सा मूव कराते हैं तो वो मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए उनको भी अगर हम कुछ इस तरीके के अगर हम रिंग्स में अटैच करके लगाएंगे तो उनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खूब काम में आने वाले हैं और इनको मैं जल्दी ही चेंज भी करूंगी और इससे मेरे जो पुराने कर्टेंस हैं वो काफी ज्यादा यूज भी हो जाएंगे। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये 2 कर्टेन जो कि मैंने लिए हैं। एक तो इनका कलर बहुत अच्छा था और मैंने अपने घर की कलर थीम के अकॉर्डिंग ही इनको लिया था। इनका दिखा दो प्रिंट, साइड में इसमें कुछ इस तरीके की देखिए लेस लगी हुई है ऐसी, जिससे कि बहुत ही ज्यादा ना बड़े अट्रैक्टिव से हो जाते हैं। और इसमें ना बीच बीच में ये येलो कलर के थोड़े से जो है फ्लावर्स बने हुए हैं और साइड में जो ये लेस है ये देखिए कितनी सुंदर है, इससे बिल्कुल ही अच्छा सा एक डिटेलिंग इसमें आ जाती है। और इसे हैंग करने के लिए ना इसमें आईलेट्स नहीं लगे हैं, इस तरीके के बैक साइड में लूप्स दिए हुए हैं, तो चाहे इस लूप्स के थ्रू इनको हैंग कर लें या जैसा कि मैंने आपको बताया था जो ये रिंग होते हैं इनसे भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, इस क्लिप को इसमें इस तरीके से लगाना है और देखिए ये हैंग हो जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से। तो ये जो कर्टेन है ये 9 फिट का है क्योंकि नॉर्मली मेरे घर में जितने भी कर्टेन रॉड्स हैं उनमें जो कर्टेन की हाइट बैठती है वो 9 फिट बैठती है। प्योर कॉटन का थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना मजबूत फैब्रिक है ये, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतला फैब्रिक, और देखिए इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, यानी ये बिल्कुल अगर गर्मियों में आप लगाना चाहें तो ये बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत ही अच्छा फैब्रिक भी है। ये मैंने 2 पीस मंगवाए हैं और इनको लगा के देखूंगी, अगर ये अच्छे लगे तो 2 पीस मैं इसके और मंगवा लूंगी ना। इसमें जो एक और मुझे पसंद आया था वो थोड़ा सा पीच कलर का था, लेकिन मुझे थोड़ा सा वाइट बेस पे डार्क प्रिंट चाहिए था जिससे कि थोड़ा सा ना मतलब गर्मियों में या मतलब विंटर्स में भी घर अच्छा लगे। ये है एक ऑर्गेनाइजर। अब आप कहोगे कैसा ऑर्गेनाइजर है, देखिए ये सबसे पहले मैंने एक 3 का सेट मंगाया था और उसके बाद मैंने ये 2 बार ऑर्डर में कर चुकी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो देखिए कितना पतला सा है, अब ये इसमें क्या सामान आएगा आपको बताती हूँ। और ये इस तरह से देखिए बन जाता है, पूरी बास्केट बन जाती है। और जब ये सेट मैंने मंगाया था ना तो वो मैंने एक के ऊपर एक करके रख रखा है, यानी इसका एक स्टैक आप क्रिएट कर सकते हो और जब आप स्टैक बनाते हो तो आप इसमें से कोई सा भी पोर्शन आगे खिसका सकते हो, यानी स्टैक में ये ड्रॉर्स की तरीके से काम करता है, काफी सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। और मैंने कहा ना पहले मैंने ये एक सेट ऑर्डर किया, उसके बाद दूसरा सेट ऑर्डर किया और फिर मैंने थर्ड सेट ऑर्डर किया। ये रखा हुआ है मैंने अपने यूटिलिटी एरिया में जहाँ पे बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाता है, क्लियरली दिखता रहता है और आगे पीछे हम इसको खिसका सकते हैं। दूसरा मैंने इसको रख रखा है अपनी राशन वाली अलमीरा में और वहां पर जो मैंने बनाया मतलब मंगवाया था वो थोड़ा सा कलरफुल है, अलग अलग कलर्स में आते हैं, बहुत ही अच्छे शेड्स है वो, और उनसे मैंने उनको मतलब मैंने लिया है और अपनी राशन वाली अलमीरा में रखा है। और एक ऐसा ही पीस मैंने रख रखा है अपने किचन सिंक के पास में, जो भी मैं अपने मतलब बर्तन वगैरह वॉश करती जाती हूँ वो इसमें रख जाती हूँ तो उसका पानी नीचे से निकल के फैलता नहीं है, मतलब ड्रेनेज ना होने का भी एक फायदा होता है, तो बिल्कुल बढ़िया तरह से इसमें रखे रहते हैं और आराम से इसमें से ना निकल भी जाते हैं, बहुत मतलब मुझे बहुत सूट करता है। और एक मैंने रख रखा है अपने किचन सिंक के नीचे जिसमें कि मेरा सिंक से रिलेटेड बहुत सारा सामान रखा हुआ है। You, ooh, ooh, ooh.
और ये है एक मैजिक रोलर। अगर देखिए सोफा हुआ, कार की सीट हुई और कारपेट हुआ, बेड हुआ, वहाँ पे पेट के हेयर हुए या क्रम्स हुए, गंदगी हुई, बहुत सारे पार्टिकल्स रह जाते हैं, इसे जो है आप बहुत आसानी से ना इस ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो वो तो एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, लेकिन ये बड़ा हैंडी सा छोटा सा प्रोडक्ट है। और इसको बस क्या करना है, जिस सर्फेस को आपको क्लीन करना है उसके ऊपर इस तरह से रोल करना है, और देखिएगा सारी जितनी भी गंदगी होती है ना वो इसमें आ जाती है। जैसे छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं, बच्चे खाना खाते हैं वो गिर जाता है, वो सब आप देखिएगा इसमें आ जाता है। और इसके अलावा जो धूल होती है, डस्ट होती है, वो भी इसमें आ जाती है। मुझे ये बहुत ही काम का लगा ये प्रोडक्ट, और देखिए कितनी सारी गंदगी इसमें आ गई है। इस तरह से मैं इसको ना मतलब ये दो हैं, एक लिविंग एरिया में सोफे के पास रख देती हूँ तो वहाँ का क्लीन कर देती हूँ, और एक ही रहता है ड्राॅइंग रूम में, तो मेरे दोनों जगह जहाँ पर भी सोफा है ना वहाँ पर ये बहुत ही काम देता है। और हाँ, कारपेट इससे बढ़िया क्लीन हो जाते हैं। What did you expect now? That you feel better? ये ब्रास का कंटेनर मैंने अमेजोन से लिया, इसकी कैपेसिटी इतनी है, देखिए बस आप लोग देख रहे हो ना कितना छोटा सा है, लेकिन वहाँ क्लेम कर रखा था कि इसकी कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है और इसमें 1 kg और या 1200 ml तक का सामान आ सकता है, लेकिन देखिए ये कितना छोटा सा कंटेनर है। और इसका प्राइस था 1299 यानी 1300 रुपये। तो जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा बड़ा बॉक्स होगा, जैसे कटोरदान होते हैं, ब्रास का होगा तो काफ़ी यूज में आएगा, लेकिन कुछ इस तरह से रहा। तो जब कभी भी आइटम आप रिसीव करें तो एक बार चेक करके देख लें कि उसका साइज कितना बड़ा है, और अगर वो रिटर्न हो सकता है तो आप उसे एकदम से रिटर्न करें, और लेते टाइम ही चेक कर लीजिए कि ब्रांड की जो रिटर्न पॉलिसी है वो क्या है। लकीली मैंने ये कल ही रिसीव किया तो आज ये रिटर्न में है, तो मैं तो इसे वापस कर दूंगी। अगर पहले लिया होता और मैं अपने घर चली गई थी तो शायद इसे रिटर्न नहीं कर पाती। ये मसाला दानी तो आपने मेरे वीडियोस में बहुत देखी होगी, मुझे वुड तो इसकी अभी तक बिल्कुल सही है, और हमेशा वॉश करके ही मैं मसाले भरती हूँ। तो देखिए किस तरीके से इनके ऊपर से पूरे पे से ना पेंट इस तरह से छूट गया है, और बहुत ही गंदे इसमें स्पॉट्स आ गए हैं, और ऐसा लगभग हर कंटेनर के साथ हुआ देखिए, और नीचे तो ये बहुत खराब हो गई। तो जब कभी भी आप ब्रास का सामान लें तो उसकी मेटल देख लें कि वो मेटल है या ब्रास है, तो ये बिल्कुल भी बेकार है। और अब तो मुझे इसमें पेंट ही करना पड़ेगा, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। तो मैंने लिए कि ये नई मसाला दानी बहुत ही खूबसूरत है, कितनी प्यारी है देखिए। और ये मेटल है, लेकिन इसके ऊपर पेंट किया गया है तो शायद ये खराब नहीं होगी, बहुत ही प्यारी है। देखिए इसके ऊपर इस तरह से एक डक बनी हुई है, और इसके अंदर दिखाती हूँ, इस तरह से इसमें कंटेनर्स हैं, छोटी छोटी सी बोल्स हैं, कटोरियां हैं, अभी तो ये पैक है, मैंने निकाली नहीं है। इस तरह से ब्लैक कलर में है, पेंट होके इसकी बोल्स हैं जिसमें कि मसाले रख सकते हैं, और रंग बिरंगे मसाले ना इस पर बहुत अच्छे लगने वाले भी हैं, देखिए है ना बढ़िया। और इसमें ना जो पीसेस हैं वो हैं 4-7 पीसेस हैं देखिए, और ये जो नीचे वाला है ये येलो है, गोल्डन नहीं है, और ये ब्लैक है, तो ये अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि इसमें रस्ट जल्दी से नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पेंट हो रहा है और दिखने में भी ये बहुत सुंदर है। और ये है एक वॉफल मेकर, जो कि मुझे बहुत मतलब बहुत दिनों से इंतज़ार था लेने का, और फाइनली मैंने मंगा लिया। लेकिन जो इसके ऊपर की लिड है ना वो थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, हिल रही है, तो मैं इसे रिप्लेस करूँगी इस आइटम को। इसमें ना जैसे आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो बहुत सारे वेरिएशंस ब्रेकफास्ट में आप ला सकते हैं, मतलब वही छोटी सी चीज़ जो कि हम तवे पे बनाते हैं, अगर हम इस वॉफल मेकर में बनाएं ना तो वो बहुत अच्छी भी बनती है, क्रिस्पी बनती है, और उसे बार बार चेक नहीं करना पड़ता, मतलब फटाफट बन जाती है। तो इसकी बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी। तो कुछ ये आइटम मुझे डिफेक्टिव लगा, इसीलिए मैं इसको रिप्लेस कर रही हूं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कोई भी वॉफल मेकर लेने की, तो एक आप ले लीजिए, बड़े ही काम की ये चीज है। तो इस
तरह से ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें छोटी छोटी सी चीजें जो कि मैंने कुछ दिनों पहले मंगाई थी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी तो आज शेयर करी। तो ऐसे ही घर में चीजें मंगा के हम घर का काम चलाते रहते हैं। तो मतलब मैं तो ज्यादा इसलिए भी चीजें लेती रहती हूँ कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो हो सकता है आपकी जरूरत के हिसाब से कोई चीज आपको पसंद आए। तो ये हो गया बस आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना और पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।